हे गाइस, आप देख रहे हैं एमएसडी टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हूं तोमर। और आपने जैसा थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑफ हो गया है, इसका इशू कैसे फिक्स कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन आपके पीसी के लिए बहुत सिक्योर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं कि ये इशू क्यों और कैसे आता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल कारण है, जब भी आप कोई क्रैक गेम्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो फायरवॉल डिसेबल हो जाता है कभी कभी, या कोई एप्स को वो करप्ट कर देता है, इसके वजह से फायरवॉल वहां पर ऑफ भी हो सकता है। दोस्तों, ये इशू बहुत कॉमन है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी फाइंड कर सकते हैं। अब अपडेट एंड सिक्योरिटी फाइंड करने के बाद आपको विंडोज सिक्योरिटी पर जाना होगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐप खोलने के लिए कह रहा है, लेकिन आप अभी मत खोलिए। आपको विंडोज़ में जाना है और आपको यहाँ सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा विंडोज़ सिक्योरिटी। आपको इसे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर ऐप सेटिंग्स पर आ जाते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और आप यहाँ पर रीसेट पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके सारे सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे और आप हो सकता है यहाँ पर फायरवॉल ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाए, वो सारी प्रॉब्लम वापस जैसे थे वैसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर रीसेट हो चुका है, अभी हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा। उसके बाद आप टास्क मैनेजर पर जाइए। टास्क मैनेजर पर जाके स्टार्टअप पर जाइए और आप यहाँ पर देखिए, कुछ माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर डिसेबल तो नहीं हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव 32 बिट, यहाँ पर इसे अनेबल कर दीजिए। यहाँ पर स्टार्टअप की वजह से भी यहाँ पर डिसेबल हो सकता है दोस्तों, और आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि यहाँ पर है या नहीं। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मेरा फायरवॉल डिसेबल है। तो इसके लिए आपको विंडोज़ पर जाके यहाँ पर सर्च करना होगा विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इसे क्लिक करना होगा। और जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, फायरवॉल आ चुका है। और आप यहाँ पर यूज़ रिकमेंड सेटिंग्स पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर ट्रबल शूट कर लीजिए अगर ये नहीं आ रहा है। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स, आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स खुल चुका है। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फायरवॉल स्टेट ये ऑफ है। यहाँ पर इसे ऑनलाइन कर दीजिए। यहाँ पर रिकमेंडेड, यहाँ पर ऑन है, इसे मैंने ऑन कर दिया। और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट प्रोफाइल और ये भी ऑफ है। आपको सबको ऑन कर देना है, सबको ऑनलाइन में ला देना है। पब्लिक प्रोफाइल, यहाँ पर इसे ऑन कर दीजिए अप्लाई। यहाँ पर IPSCE, यहाँ पर नो डिफॉल्ट रहेगा, आपको यस पर कर देना है अप्लाई। ओके, उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्टोर डिफॉल्ट, आपको इसे क्लिक कर देना है रिस्टोर डिफॉल्ट। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिस्टोरिंग द डिफॉल्ट सेटिंग विल डिलीट ऑल सेटिंग्स ऑफ विंडोज डिफेंडर फायरवॉल दैट यू हैव मेड सिंस विंडोज वॉज इंस्टॉल्ड, दिस मे कॉज सम एप्स टू स्टॉप वर्किंग। तो आप यहाँ पर सिंपली एस पर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ सही है, प्राइवेट नेटवर्क्स, गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क्स, आपको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।